कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिले के मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना केंद्र हेतु मीडिया कर्मियों के लिए जारी निर्देशों की दी जानकारी, साथ साथ कांकेर लोकसभा चुनाव में जो सहयोग आप सभी ने किया उसके लिए धन्यवाद व आभार किए। जो निर्देश रहेगा वो ये है कि उन्हें वीडियोग्राफी लेने की अनुमति होगी और वीडियोग्राफी केवल मतगणना प्रोसेसिंग कार्य का लिया जा सकेगा। मशीनों को फोकस आप लोगों के साथ ब्रीफिंग के लिए एक सेशन हम लोगों ने रखा ताकि आपको जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनको जो इलेक्शन कमीशन के महत्वपूर्ण निर्देश है उनसे थोड़ा अवगत कराया जा सके और मतगणना की तैयारी के संबंध में भी आपको थोड़ी सी जानकारी साझा की जा सके। तो सर्वप्रथम तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जून को हमारी मतगणना है, उसका समय प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। स्थान लाइब्रेरी कॉलेज भी बना हुआ है। हर विधानसभा वार हम लोगों ने मतगणना हॉल बनाए हैं, अलग अलग विधानसभा वार और सेपरेट मतगणना कक्ष हैं तीनों विधानसभा के लिए। हर एक मतगणना हॉल में 14 टेबल रही और 14 टेबल पर हमारे गणना अधिकारी रहेंगे। एक चरण में 14 टेबल के अनुसार 14 मतदान केंद्रों की मतगणना पूर्ण की जाएगी। मतगणना स्थल पर एक मीडिया केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है जिसके जो आप लोगों की सुविधा के लिए होगा और जनता को मीडिया और जनता को मीडिया के माध्यम से रुझानों से अवगत कराने के लिए इस मीडिया केंद्र का स्थापन फातोबाट लाइब्रेरी कॉलेज में किया जाएगा, जहाँ पे कि LED और लाउड स्पीकर की व्यवस्था आप लोगों की जाएगी। जनसंपर्क अधिकारी द्वारा भी चयनित मीडिया कर्मियों को मतगणना हॉल में प्रवेश देने के लिए जैसा कि PCI के निर्देश पास जारी किया जा सकेगा। और जो मीडिया कर्मी भाई हैं हमारे जो मतगणना हॉल में जाएंगे उनके लिए जो निर्देश रहेगा वो ये है कि उन्हें वीडियोग्राफी लेने की अनुमति होगी और वीडियोग्राफी केवल मतगणना प्रोसेसिंग कार्य का लिया जा सकेगा। मशीनों को फोकस करते हुए वीडियोग्राफी लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और वीडियोग्राफी लेने की समय अवधि भी 5 से 6 सेकंड तक ही रह सकेगी। मोबाइल कैमरा और स्टैटिक कैमरा का प्रयोग वर्जित रहेगा। सिर्फ हैंडहेल्ड कैमरा ही आप लोग उपयोग कर सकेंगे मतगणना के दिवस के दौरान। आप लोगों के द्वारा जो भी वीडियोग्राफी किया जाएगा उसमें जूम नहीं करने की अनुमति रहेगी और आप लोग स्टैटिक कैमरे को भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और अपने हैंडल कैमरे से आप वीडियो फुटेज ले सकते हैं। मतगणना हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का डिजिटल डिवाइस मोबाइल डिजिटल वॉच लाना वर्जित रहेगा और उन्हें जो पेन और पैड की सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रदाय की जाएगी जो कि अभिकर्ता हमारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मतगणना हॉल में फोटो पहचान पत्र के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाती है और फोटो पहचान पत्र ECI की गाइडलाइंस और निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा नोडल अधिकारी के माध्यम से जारी किया जाए। मतगणना हॉल में मीडियाकर्मी द्वारा एक EVM में दर्ज वास्तविक वोट की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। वहाँ पे जो कार्य में लगे हुए मतगणना अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वीडियोग्राफी की जा सकेगी और आपके जो पटल पे रिजल्ट प्रदर्शित हो रहे हैं उनको दर्ज किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुमति अनुसार मीडिया सेंटर से काउंटिंग हॉल तक कम अवधि के लिए अधिकारी द्वारा तय कर लिए जाएंगे, उन्हें जाली के बाहर से अवलोकन और प्रवेश दिया जा सकेगा। तो ये वो कुछ मुख्य बिंदु थे जो 4 तारीख को आप लोगों के साथ साझा करना हम लोगों को उचित लगा, इसीलिए ये ब्रीफिंग आप लोगों के लिए उसी तरह से आज प्रस्तावित भी की गई थी। और पुनः मैं आप सभी लोगों को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आभार भी प्रदर्शित करना चाहूँगा। और बस अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं निर्वाचन प्रक्रिया के, उस अंतिम पड़ाव को भी हम सक्सेसफुली और अच्छे से
बात करें और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जो शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है और जो आप लोगों से सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर विजन टीवी चैनल के लिए रूपचंद जैन ब्यूरो चीफ दीपक देवांगन बालोद की रिपोर्ट।